हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जो सीखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में कि ये स्मार्ट आर्ट होता क्या है और इसका यूज किस लिए और कहाँ पे किया जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। शांत रहोगे, पढ़ना तो पढ़ लो, जाओ बाहर। देखो, मैंने सेपेज के बारे में बताया था और इसी सेपेज के बगल में है स्मार्ट आर्ट। तो देखो, जो स्मार्ट आर्ट है इसका इस्तेमाल जब भी हम कोई रेडीमेड बना बनाया कुछ हम डायग्राम लेना चाहते हैं और क्विकली उस डायग्राम के सहारे किसी को समझाना चाहते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी मैंने सेपेज पढ़ाया तो जहां जहां पे रिक्वायरमेंट था सेपेज का मैंने वहां वहां बनाया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉमन हमारे चार्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं जो सब कोई बनाता है, ठीक है, तो वह रेडीमेड स्मार्ट आर्ट से मिल सकता है। आपको सेपेज आपसे बनाने की जरूरत नहीं है और जितना स्मार्ट आर्ट से हम लोग अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं उतना सेपेज से भी डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें रेडीमेड बने बने बहुत सारे स्टेपेज मिल जाएंगे और उनका इस्तेमाल करके आप अच्छे से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, एक नोट्स बना सकते हो जैसा कल हमने बनाया था, और क्विकली बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। बार बार ड्रॉ भी नहीं करना है, लाइन भी नहीं खींचना है, वो पहले से ऑटोमेटिक बना बना है। जहां पे चाहूंगा वहां पे स्टेपेज आ सकता है, लाइन एड हो सकता है, वो सभी ऑप्शन दिए गए। इसलिए नाम भी रखा गया स्मार्ट आर्ट। एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसके सहारे हम लोग अलग अलग आर्ट को डिजाइन करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो कल जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो पहले से देखो बने बने बहुत सारे दिए गए। जैसे आल में देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ। अगर कैटेगरी वाइज ले तो लिस्ट से रिलेटेड इतने दिए गए हैं, प्रोसेस से रिलेटेड इतने दिए गए हैं, किसी साइकिल से रिलेटेड इतने दिए गए हैं, जहां पे कोई लिस्ट बनाना हो हमको, ठीक है, लिस्ट बनाना सिखाया था ना हमने, वहां पे आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब लिस्ट कैसे बनाना चाहते हो, पिक्चर वाइज बनाना चाहते हो, मेनुअली बनाना चाहते हो, तो वैसे हम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ऐसा ही कुछ लिस्ट बनाना हमको, ठीक है, या ऐसा लिस्ट बनाना तो ऐसा आएगा, ऐसे बनाना तो ऐसे आएगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा, जो ले लोगे इसमें से वही लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होगी। तो हम आ जाते हैं सेकेंड वाला लेते हैं, करते हैं ओके। आ गया, और आने के बाद से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना, आप क्या लिस्ट बना रहा हूं। तो मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करने बाद से लिख दिया डीसीए, एडीसी, ट्रिपल सी, ऑफिस मैनेजमेंट, नो, डीएफए, एडीएफए, डीएफए, ऑफिस मैनेजमेंट, डीटीपी, और यहां पर लिख देते हैं टैली। अब देखो ये बनाने वक्त क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या इसका भी फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेना है एंगल वाइज, वाइट वाले ऐसे दिख रहा है हमको। अब आ जाएंगे डिजाइन में, कलर पे आ जाएंगे, देखते हो ऐसे लिस्ट कोर्सेस के बैनर में ज्यादा छपे रहते हैं, अलग अलग स्टाइल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। हो जाएगा,
तो ये लिस्ट प्रोसेस है, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लिस्ट बना सकते हो और कोर्सेस से रिलेटेड है तो कोर्स का लिस्ट है। अब आ जाते हैं कंट्रोल एन करते हैं, फिर आते हैं इंसर्ट पे, स्मार्ट पे आर्ट पे आते हैं और ले आते हैं प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस को समझाना है तो क्लिक करेंगे और देखो प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारा दिया है, तो हम आ जाते हैं बेसिक प्रोसेस ऐसा है, सेकेंड वाला लेते हैं और करते हो क्यों सर, क्यों सेकेंड वाला ही क्यों ले रहे हो? ठीक है, आप फर्स्ट वाला भी ले सकते हो, बाद में सेकेंड वाला ले सकते हो, ठीक है, चलो इस बार ले लेते फर्स्ट वाला ही ले लेते, या थर्ड वाला भी ले सकते हैं। और देखो प्रोसेस रिलेटेड है, सर वाला इनपुट, उसके बाद क्लिक प्रोसेस आउटपुट। आ गया बाबू, यह प्रोसेस रिलेटेड हमें बनाना ही पड़ा, अगर यही बनाना होता तो सेलेक्ट सेपेज और इसी के जैसा एक राउंड रेक्टेंगल है तो राउंड लेंगे और इसे बनाएंगे इसी साइज का। अब लिखेंगे इनपुट, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करके साइज बड़ा करेंगे तब ऐसे आएगा, समझे? तिया हमको नहीं करना, इसलिए हम यहां से डिलीट कर देते हैं। और देखो अब इसका लेने के बाद से इसका फॉर्मेटिंग पे आ जाओ, डिजाइन कलर चेंज कर दो, बार बार कलर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर ये भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से कोई ले लो, ये अलग अलग डिजाइनिंग फॉर्मेट दिए गए ये वाला लो। अब देखो ये बनाने के बाद भी इस लेआउट को अगर चेंज करना चाहते हो बाद में तो आप चेंज कर सकते हो, यहां से यह वाला सेकेंड वाला आ जाएगा, इनपुट होगा तब प्रोसेस तब आउटपुट, या वाला ले सकते हो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये बनाना हमको नहीं पड़ेगा, ये पहले से बना बना दिया है, तो इसीलिए नाम ही रख दिया स्मार्ट है, ठीक है। और अलग अलग प्रोसेस है, पिक्चर के साथ बनाना चाहते हो बता सकते हो, देखो हो जाएगा बाबू। तो ये तरीके हैं, अभी मैंने बता दिया आपको कैसे बनाओ कैसे करो, कंट्रोल एन दबाते हैं, ऐसे भी जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा जैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं। तो चलो साइकल्स दिया है, साइकल्स में कुछ बता सकते हैं, यहाँ पे यूजर डाटा को इनपुट करेगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट, ऐसे बता सकते हैं। कंट्रोल एन दबाते हैं, इस आते हैं और इस बार हम हायरार्की पे क्लिक करेंगे, और हायरार्की पे क्लिक करने के बाद से कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कुछ, क्या तू मुझे बनाना है, सेकंड या वाला लेता हूँ या ऐसा आ कर देता हूँ, ओके। अब इसी में सब ऑप्शन में पढ़ा दूंगा, अब बताओ ऐसा कल बनाया होगा आप लोग, तो बनाते समय आपको बार बार इंसर्ट करना होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको बड़ा कर देगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या कर दिया हमने, बड़ा कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक किया और लिखा हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आएंगे इसके अंदर क्या है, कीबोर्ड, उसके बाद माउस, अब दो ही है और हमको चाहिए, चलो कैसे लेंगे भी बताऊंगा। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक और चाहिए कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके लिए देखो ऐसे तो बन गया लेकिन अधूरा है, पूरा करना है इसको, तो आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और या यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो माउस वाले पे क्लिक किया और देखो यहीं पे ऑप्शन दिया ऐड शेप, दिख रहा आपको, अब ऐड कहाँ करना है, आफ्टर बिफोर एबव बिलो, तो बोला सर इसके बाद चाहिए, तो कर दिया ऐड से आफ्टर, एक और चाहिए इसे कर दिया, तो आ गया, बनाना भी नहीं पड़ा, क्लिक और बता दिया हमने क्या सीपीयू, उसके बाद मॉनिटर,
जाएगा। अब इतना करने में से क्या करेंगे, बाहर क्लिक और भी इसमें भी देना है ना जी, क्लिक और क्या करेंगे यहाँ पे आफ्टर, और क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके नीचे भी चाहिए हमको, इसके तो नीचे नहीं चाहिए, इसके नीचे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्या करेंगे, हम ऐड पे आएंगे, क्या करना है, नीचे लाना है बिलो, एक और लाना है तो ला सकते हैं, फिर से क्लिक बिलो, एक और चाहिए बिलो, और नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कौन लाइन में कॉपी करके पेस्ट करे, इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, नहीं कॉपी पेस्ट का लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है, देखिए कॉपी पेस्ट होगा लेकिन क्या मतलब, जब क्लिक करने से ही आ जा रहा है, कहाँ कहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे आप लोग, कहाँ एडजस्ट करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विंडोज, या लिखते हैं क्या पाले, क्या लो दिमाग लगाने लगे तुम लोग, लो करो डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कहाँ गया, जा रहा था वहां बताते हैं हम क्यों दिया, उसको शौक है ऑप्शन देने का, टाइल ऐड करने का। चलिए आते हैं, और आने के बाद से क्या करेंगे, एमएस जहां दिमाग लगाना कोई दौड़ाता नहीं। चलिए इसमें भी बताना है क्या, तो और भी बहुत सारे हैं, आप थोड़ा खींच के इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से, और इसमें बता देना बस, एमएस वर्ड ए पढ़ रहे हैं, और इसको थोड़ा खींच के और बड़ा कर देंगे ऐसे, बस आ रहा सही से। अब हम बाहर क्लिक कर देंगे, अब देखो बाहर क्लिक, फिर से अंदर क्लिक करके एक कलर चेंज कर दूं, और ये भी नहीं चाहिए तो आ जाओ यहां पे ले लो, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा, अलग करके मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि हाँ आप लोग देखो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, बस क्लियर है ना बाबू। अब देखो यह बनाने के बाद से अगर इनके फ्यूचर में कभी ऐसा होता है, नहीं कहता नहीं, पहले सॉफ्टवेयर बताइए तब हार्डवेयर बताइए, तो देखो अगर नॉर्मल बनाते तो दिक्कत क्या होती, बना भी नहीं पाते सही से और टाइम लगता, और चेंज करना हो तो फिर से लिख के चेंज करना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है, बस करते लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाए, दिख रहा है, और देखो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, और फिर से राइट टू लेफ्ट कर दे तो फिर से वैसे जैसे था वैसे आ जाए, हो जाएगा। और यहाँ पे देखो टाइप योर टेक्स्ट हेयर, ये टेक्स्ट पेन है, यहाँ से क्लिक कर देंगे अनचेक हो जाएगा, अब फिर से लिखना तो यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं। आपको तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, और यही पे क्लिक करके जो लिखेंगे यहाँ पे आता जाएगा, जो क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखते हैं आता जाएगा, जो हार्डवेयर लिखा है ना, और यहाँ पूरा कैपिटल लिखना है हार्डवेयर, लिख देंगे कैपलोकान कर देंगे, लिख देंगे हार्डवेयर, देखो टाइप हो रहा है, फिर इसको पूरा कैपिटल लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर, और यहाँ से चेंज करो, या यहाँ से डिजाइन हटा दी हो जाएगा। चलो इसमें कुछ और ऑप्शन उसको समझते हैं, क्या ऑप्शन दिया है, कि यहाँ पे दिया है डिमोट और प्रोमोट और डिमोट, नहीं कहते हमारा प्रमोशन हो गया, मतलब प्रमोशन क्या, पहले टीचर थे अब लैब टीचर हो गए, सरकारी टीचर हो गए, चलो अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लो यह मेन हेडिंग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और ये इसके अंदर हेडिंग है, लेकिन किसी ने कहा नहीं इसके तीन पार्ट होते हैं, माउस भी ये मेन हेडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर बनाया, लेकिन ये मेन हेडिंग ये भी है, ये भी बॉस है इसका, ठीक है, तो इसको प्रमोट कर दीजिए, मतलब अब पार्ट ऑफ कंप्यूटर कोई कहेगा कितना बताएंगे, हार्डवेयर माउस और सॉफ्टवेयर, ऐसा हो तब, मैं एक तरीका बता रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है, और फिर से नीचे लेके आना है तो रिमूव कर देंगे, ये तो ऊपर नीचे की बात थी, अगर मान लो कीबोर्ड है या माउस है या सीपीयू है और मॉनिटर है,
इसको भी प्रमोट और डिमोट कर सकते, इसी में कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे और आने के बाद इधर ऐसे ऐसे करना है तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया मूव अप और मूव डाउन, ठीक है। या फिर इसमें कोई लोग यहाँ पे आ जाएगा, अब इसको इधर उधर करना है आपको, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया मूव अप, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, इसी में इधर उधर जाएगा लिखने के बाद। कर लो बना के नॉर्मल परेशान हो जाएगी, वैसे स्मार्ट लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसा है जो किसी में हो जाएगा बाबू। चलिए आते हैं लास्ट में सेकेंड वाले, बस यार जितने ऑप्शन थे सब बता दिया, रिमोट क्या होता है, प्रमोट क्या होता है, अप डाउन ये सब क्या होता है, लेआउट बता ही। यहाँ पे लेआउट यही मतलब यार जो लिखा है देखो, और ये लेआउट हम तुरंत चेंज करना चाहते हैं, ऐसा पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे। कई बार क्लिक हो गया, आदत है क्लिक करने का, बाहर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा, फिर से अंदर क्लिक करेंगे और देखो इसका लेआउट जो पहले से ऐसा है हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते दिख रहा है, बोलो ऐसे देखो दिख रहा है, तो वही अच्छा था हमारे लिए, ठीक है। क्लिक कर दो आ जाएगा, मतलब लेआउट उसका चेंज किया जा सकता है, ऐसे समझाना तैसे भी समझाया जा सकता है, हो जाएगा। और इसमें लास्ट है रीसेट, तो कल ही आया था, मतलब रीसेट मतलब जो हमने डिजाइनिंग किया वो रीसेट हो जाता है, ना गायब हो जाएगा, फिर सबको कलर करना है, फॉर्मेट चेंज करना। क्या है जी, चलो ठीक हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे, आज बना लोगे ना, टाइप सब प्रिंटर मेमोरी सब बन जाएगा, हमको मेहनत करके बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी हमारा बच जाएगा, व्हाइट वाला भी बहुत अच्छा दिखता है। हाँ हो जाएगा जी। और फॉर्मेट तो सब कब ऑप्शन पढ़ाया थे, कौन किस ऑप्शन का क्या यूज, ये पहला टॉपिक आज का कंप्लीट।